हेलो क्लास, माई सेल्फ राकेश कुमार वेलकम्स यू इन दिस आवर यूट्यूब चैनल मिशन पब्लिक स्कूल नवागंज बरेली। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर वन ऑफ आवर हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज द माइलस्टोन इन द यूरोप हिस्ट्री। फर्स्ट टाइम द रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन फ्रेंच एंड आफ्टर दिस इट स्प्रेड थ्रूआउट द मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप। फ्रांस की क्रांति शुरुआत जब हुई उसमें जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये ही सिस्टम पूरे यूरोप में फैल गया था। जो फ्रांस ने अपनाया वो यूरोप के सभी मोस्टली कंट्रीज ने अपनाया था। अब फ्रेंच सोसाइटी में क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजन क्या था वो हम जानेंगे। अब स्टार्टिंग की चैप्टर में आप देख रहे हैं एक सीन दिया हुआ है जहां पर एक साइड में पब्लिक खड़ी हुई है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आग भी जल रही है। तो ये जो समय था 14 जुलाई 1789 का समय था। लगभग 17,000 पीपल गैदर्ड, 17,000 लोग इकट्ठे हो गए थे और उस पूरे किले पर पूरे पार्लियामेंट हाउस में आग लगा दी थी, अटैक कर दिया। हजारों सोल्जर्स मारे गए, सोल्जर्स हजारों जब मारे गए और गवर्नमेंट सोल्जर्स में और पब्लिक में सीधे संघर्ष हुआ था और कई दिनों तक ये संघर्ष चला। पब्लिक ने संघर्ष किया, सपोज कीजिए कि भारत की पब्लिक परेशान हो जाए इंडिया की और न्यू दिल्ली पूरे पार्लियामेंट पर अटैक कर दे, प्राइम मिनिस्टर पर भी, तो क्यों अटैक करेगी पब्लिक? पब्लिक ने अटैक क्यों किया बस्तिल के किले पर फ्रांस में? सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो कई सालों से एक शोषण और अन्याय सहन करते आ रहे थे। गवर्नमेंट ने अपने पुराने कर्ज को भरने के लिए अपनी गवर्नमेंट रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी और तमाम खर्चों को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ा रखे थे आम पब्लिक पर, और वो टैक्स जो पादरी लोग थे, चर्च के संत महात्मा और नोबिलिटी पर्सन्स, रिच पर्सन्स, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स, उनसे कोई टैक्स नहीं जाता था, केवल मिडिल क्लास से टैक्स जाता था। तो मिडिल क्लास ने बहुत से संगठन बनाए, इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि उन्होंने संगठन बनाए, ग्रुप्स बनाए, मूवमेंट्स पूरे देश में शुरू कर दिया उन्होंने इस तरह, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे इस मोनार्की सरकार से, वो परेशान हो गए थे इतने सालों से। पब्लिक को कोई राइट नहीं था। आगे के कुछ टॉपिक्स में हम ये जानते हैं कि लुई 16 ने टैक्स बढ़ा करके पब्लिक पर इतना बड़ा बोझ लाद दिया था। बाद में जब इन आंदोलनकारियों को जीत मिली, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संविधान बन करके बनने के बावजूद भी एक मोनार्की सरकार थी। मोनार्की से ही तो आज़ादी चाहते थे। उसके बाद लुई 16 तो उसकी वाइफ को मौत की सजा दी गई थी, उन्हें मार दिया गया था। उसके अनुयायी जो भी थे कुछ और उनको भी मार दिया गया जो उसके सपोर्टर्स थे, फिर भी कुछ रह गए थे। तो पब्लिक के मूवमेंट का रिजल्ट था कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप हुई, यानी कि पूरी तरह डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो पाई थी। उसके बाद मूवमेंट हुआ, वुमेन ने भी आंदोलन किया। तो वुमेन ने मूवमेंट जो किया उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। फर्स्ट टाइम जब सरकार बनी, मोनार्की सेटअप हुई, तो वोट डालने का अधिकार केवल एजुकेटेड पर्सन्स को था, फर्स्ट एंड सेकेंड कैटेगरी के लोगों को था वोट डालने का अधिकार, फार्मर्स को, मजदूरों को अधिकार नहीं था। तो महिलाओं ने आंदोलन बहुत किए, उसके बाद उन्हें भी वोट डालने का अधिकार मिला लगभग 1848 में। फ्रांस एट लास्ट, फ्रांस एबोलिशिस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक। तो लास्ट में क्या हुआ, 1792 की डेट में, बहुत समय से के बाद, 30-40 ईयर्स संघर्ष करने के बाद फ्रांस को आज़ादी मिली। किससे आज़ादी मिली? मोनार्की से, यानी राजशाही से, कोई विदेशी शक्ति से आज़ादी नहीं मिली थी। उसी देश की राजतंत्र जो था उसे हटना पड़ा और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप हुई, वहाँ पर रिपब्लिक हुआ। जैसा कि इंडिया रिपब्लिक है वैसा ही फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया।